और तो चलिए आज बनाते हैं हरी सब्जी से ही बहुत ही आसान लजीज एक ऐसी सब्जी जिसे जो खाएगा वो खाता रह जाएगा और आपकी ढेर सारी तारीफ होगी। अब लौकी घिया खाना तो बच्चों को पसंद नहीं, तो चलिए आज बनाते हैं परफेक्ट तरीके से लौकी के कोफ्ते। अगर आपके कोफ्ते गीले हो जाते हैं यानी कोफ्ता ना हो के पकौड़े जैसे हो जाते हैं तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। बहुत ही आसान रेसिपी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg का लौकी। लौकी मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि हमें छोटे साइज का लौकी लेना है, बड़े साइज के लौकी अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि उसमें बीज होता है तो हमारा कोफ्ता अच्छा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लौकी को छील लेते हैं। तो लौकी को छील के धो लिया है, इसे हम इस तरीके से काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिना बीज की लौकी है। अब हम मीडियम साइज के छेद से कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस कर लिया है, हाथों को वॉश कर लें और इसे अपने हाथों में कद्दू को लेके इस तरीके से हम इसका पानी निकालेंगे। हाथों से बहुत अच्छे से स्क्वीज होता है फ्रेंड्स, और दूसरे बाउल में रखते जाएंगे। लौकी का रस हमने निकाल लिया है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए फिर से थोड़ा थोड़ा हाथों में लें और इस तरीके से पानी निकालें। तो देखिए सेकंड टाइम भी कितना पानी निकल रहा है। दूसरे बाउल में रखते जाएं। तो ऐसे करने से कोफ्ता बहुत अच्छे शेप में बनता है, बिल्कुल भी गीली गीली नहीं बनेगी पकौड़े जैसा। तो ये लौकी का जूस बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। मैं काला नमक और जीरा डाल के इसे अभी जस्ट पीने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे कोफ्ता की ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक मध्यम आकार का बारीक कटा प्याज। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई है, हाथों से मैंने इसका पानी निकाल दिया है और जो भी रस निकला है उसे हम ग्रेवी में इस्तेमाल कर लेंगे। साथ ही में डालेंगे 2 हरी मिर्चें, 2 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 चम्मच बारीक कटी धनिया पत्ती, धनिया पत्ती से बहुत अच्छा स्वाद आता है, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। लौकी में डालेंगे बेसन, तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम और लेंगे। कोफ्ता बना रहे हैं तो हाथ का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है दोस्तों, क्योंकि नमक जैसे ही डालेंगे लौकी अपना पानी बहुत सारा छोड़ देगा। जब सारी तैयारी हो जाएगी तब हम आखिर में नमक डालेंगे। तेल को मैंने लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो 1/2 कप बेसन डाला है, लेकिन इसमें अभी 2 से 3 चम्मच बेसन और पड़ेगा। जब आप इसे हाथों में लें तो मंचूरियन बॉल की तरह अच्छे से बाइंड होना चाहिए। तो ये मुझे कुछ ढीला लग रहा है, तो कोफ्ता तेल में जा करके खुल भी सकता है। तो ये स्टेप करने में अगर 1-2 चम्मच बेसन ज़्यादा लगता है तो अंदाज़ा लगा के आप डाल दीजिएगा, लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं डालिए। वैसे तो कोफ्ता जब भी लौकी का हम बनाते हैं तो सूजी नहीं डालते हैं, लेकिन आप इसे एज अ स्नैक खाना चाहते हैं तो 2 चम्मच सूजी ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है चाय के साथ ये पकौड़ा। अब आप इसे हाथों में ले कर देखें और इस तरीके से बॉल बनाएं, तो देखिए कितने अच्छे से ये बन रहा है। लास्ट में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं 1/2 छोटी चम्मच डाली हूँ क्योंकि ग्रेवी में भी नमक होगा, तो नमक हल्का ही डालें, मिला लें। नमक डालने के बाद आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, इस तरीके से प्लेट में रखते जाएं या बॉल बनाते बनाते तेल में ड्रॉप करते जाएं, दोनों काम एक साथ आप कर सकते हैं। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। कोफ्ता का भी साइज आप पे डिपेंड करता है, छोटे बड़े आप कैसा भी बना सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा धुआं आने लगे वैसा गर्म ना करें, फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और एक एक करके हम कोफ्ता को डालेंगे।
बहुत सटा सटा के मत डालें। यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देती चलूँ, फर्स्ट बैच जितना आपको फ्राई करना है, मीन्स आप जो भी मिश्रण तैयार किए हैं उसका आधा पोर्शन में ही नमक डालें, ऐसे भी कोफ्ता गीला नहीं होता है। अभी हम बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालेंगे, 2 मिनट अच्छे से फ्राई होने दें, उसके बाद ही उलटेंगे। अब हम चम्मच या स्पैचुला से धीरे से उलटते हैं, तो आप देख सकते हैं जरा भी परेशानी नहीं हो रही है, और यहाँ पर स्पेस है तो आप चाहें तो 1-2 कोफ्ते और ऐड अप कर सकते हैं। तो मैंने स्पेस बना करके 3 बॉल्स और डाल दिया है, क्योंकि हमने नमक डाला है, तो आप भी ये प्रोसेस ज़रूर करें। 2 मिनट के बाद हम इस तरीके से कोफ्ता को चेक कर लेते हैं, तो कितना सुनहरा कलर आया है कोफ्ता पे, और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। आपका भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। कुछ नया ट्राई करना हो या फिर अचानक से मेहमान आ गए हो, तो ज़रूरी नहीं कि पनीर ही बने, ये कोफ्ता खाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी, और इसे बनाना भी बेहद आसान है। इसे भी हम उलट लेते हैं। अब एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए हम कोफ्ता को निकाल लेते हैं। तो कोफ्ते मैं आपको दिखाती चलूँ, तो कितना शानदार परफेक्ट कोफ्ता बना है, कहीं से आपको पकौड़ा का साइज नहीं लग रहा होगा। तो मैं आपको एक कोफ्ता काट के दिखाती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए सारा तेल निकाल लिया है, 4 चम्मच कढ़ाई में छोड़ा है। एक बढ़िया फ्लेवर के लिए मैं एक दालचीनी का टुकड़ा डाल रही हूँ, साथ ही में डाल दे 1 तेज पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, फ्लेम कम रखें। अब हम इसमें डालेंगे 2 मध्यम आकार के प्याज, जिसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है। और प्याज यहाँ पे मैंने कच्चा ही लिया है। 2 मिनट तक हम प्याज को सौते कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, हल्का गुलाबी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेसन। कोफ्ता बना रहे हैं तो बेसन का फ्लेवर हल्का सा जब करी में रहता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बस 1 छोटी चम्मच डालना है, और सौते कर लेते हैं। 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज का टमाटर, जिसमें मैंने 1 इंच अदरक, 8 से 9 लहसुन की कलियां डाल के सबको एक साथ ही पीस लिया है। यानी ये टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट है, मिला ले। बाकी के सूखे मसाले भी डाल देते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो और बढ़ा सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच यानी 1 टेबल स्पून और प्लस 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। दोस्तों मैं हींग डालना भूल गई थी, बेसन का कोई भी आइटम में जब हींग पड़ता है तो अच्छा लगता है, तो आप स्टार्टिंग में जरूर डालिएगा। तो अभी भी डाल देंगे तो वो साथ में भुना जाएगा। अब हम मिला लेते हैं, और बहुत ही अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है, कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब मसाले भुना चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप पानी, मिला ले, फिर से डालें 1 कप पानी। तो 500 ml पानी मैंने डाला है, आपको जितना गाढ़ा कोफ्ता का ग्रेवी रखना है उस अकॉर्डिंग पानी डालें। एक बढ़िया फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, अगर घर में ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इस तरीके से क्रश करके डालें। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक करके 3 से 4 मिनट तक ग्रेवी को पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है, और तेल ऊपर की ओर आ गया है थोड़ा थोड़ा, मिला ले। तो इस टाइम आप देखेंगे कि ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, क्योंकि हम इसमें कोफ्ता अब डालने वाले हैं, तो कोफ्ता भी ग्रेवी को ऑब्जर्व करेगी। तो मैं 1 कप और पानी डाल रही हूँ, फ्लेम को बढ़ा दें।
अब हम इसमें डालते हैं कोफ्ता। अब कोफ्ता के साथ हम 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं। अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो 2 मिर्चें भी डाल दें, इस तरह ढक दें। 3 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कोफ्ता बिल्कुल भी नहीं टूट के बिखरा है। देखिए इतना लजीज लग रहा है ना, जब आप इसे खाइएगा ना, तो घिया अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो आपका फेवरेट होने वाला है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दें, फ्लेम को बंद कर दें। तो गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते राइस पराठा प्लेन रोटी के साथ परोसने के लिए तैयार है। मैं इसे सर्व करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार कोफ्ते रेडी हुए हैं और मैं इसकी ग्रेवी अलग से आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल पतली नहीं है, पनीर की ग्रेवी की तरह गाढ़ी गाढ़ी सी है और जब ये ठंडी होगी दोस्तों तो और गाढ़ी होगी। उसी अकॉर्डिंग आप पानी को एडजस्ट कर ले। तो आपको कुछ स्पेशल खाने का मन करना हो तो इस आसान कोफ्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो कोफ्ता कितना सॉफ्ट है वो तो मैंने पहले भी दिखाया है काट के, मैं फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए कितना स्पॉन्ज कर रहा है। तो ये कोफ्ता मुंह में जाते के साथ घुल जाएगा, ऐसा इसका स्वाद है। अब इतने प्यार से बनाया है तो मैं आपको खा के भी बता देती हूँ। बहुत सॉफ्ट बना है, नमक परफेक्ट है, सारे मसाले बैलेंस है, हल्का सा तीखा है, बहुत चटपटा स्वाद है। मैं इस कोफ्ते को प्लेन राइस के साथ खाने वाली हूँ, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।